टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। वैश्विक स्तर पर खाद्य महंगाई को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चीनी निर्यात पर लिमिट लगाएंगी। इस घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए भारत में 6 साल में पहली बार शुगर एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध करने की उम्मीद है। सरकार इस सीजन के निर्यात को 1 करोड़ टन पर सीमित कर सकती है। सॉल्वेंट एक्सट्रेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सी ने अनुमान जताया है कि देश में सोयाबीन का उत्पादन सरकारी अनुमान से कम है। सी के अनुसार सोयाबीन उत्पादन 10 मिलियन टन रहा जबकि सरकारी अनुमान 13.83 मिलियन टन का है। ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल जोरदार आने से इसकी कीमतों पर दबाव बना हुआ है। पिछले एक महीने में मूंग में मुनाफा वसूली की बिकवाली धीमी गति से बनी हुई है जिससे इसके दाम लगातार टूट रहे हैं। इंदौर में मूंग 100 रुपये टूटकर मूंग बेस्ट 6300 रुपये से 6350 और मूंग एवरेज 5800 रुपये से ये 6100 रुपये प्रति क्विंटल रह गई है। देश में गेहूं के दाम गिरने के बाद अब सुधरने लगे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी जिससे मंडियों में गेहूं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी। कीमतों में गिरने के बाद किसानों ने मंडियों में आवक घटा दी है जिससे गेहूं की कीमतों में सुधार देखा जा रहा है। ग्लोबल मार्केट में तेजी के बीच घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में सुधार देखने को मिला है। आज के कारोबार के बाद सरसों और सोयाबीन तेल की कीमतों में सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं अन्य तेल की कीमतें पूर्व स्तर पर रहीं। पीएम उज्ज्वल योजना को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने सस्ता सिलेंडर देने की योजना बनाई है। सरकार की ओर से की गई भारी कटौती के बाद गैस सिलेंडर भी सस्ता हो गया है। यानी आपको अब से सिलेंडर पूरे 200 रुपए की छूट मिलेगी सिलेंडर पर। हरियाणा सरकार कपास की खेती के लिए किसानों को प्रति एकड़ 3000 रुपए की सब्सिडी देगी। राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य में कपास का उत्पादन करने वाले किसानों को फायदा होगा। सोने में लगातार तेजी जारी है। सोने का भाव $1,850 के पार निकला है और ये करीब एक हफ्ते में 2% बढ़ा है। वहीं कॉमेक्स पर चांदी भी $22 के करीब नजर आ रही है। एक हफ्ते में चांदी 3.5% उछली है। MCX पर सोने का भाव 51,000 के करीब कारोबार करता नजर आया। वहीं चांदी 61,600 के ऊपर नजर आई। महाराष्ट्र में प्याज के किसान दाम को लेकर बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य के किसानों के मुताबिक प्रति किलो प्याज उत्पादन की लागत 15 से 20 रुपए तक पहुंच गई है जबकि मौजूदा समय में राज्य के अलग अलग मंडियों में किसान प्याज न्यूनतम से 1 रुपए से लेकर अधिकतम 10 रुपए तक बेचने को मजबूर हैं। गर्मी की वजह से बादाम और छुआरे में मांग बेहद कमजोर बनी हुई है जबकि बादाम आयात लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर में बादाम 10 रुपए प्रति किलो टूट गया है। वहीं बादाम घटकर 575 से 580 बेस्ट और 610 रुपए से 640 रुपए प्रति किलो रह गया है। वहीं छुआरा 10 रुपए कमजोर होकर 120 से 175 रुपए किलो बिक रहा है। ईंधन पर उत्पाद शुल्क में केंद्र सरकार के कटौती करने से सीमेंट कंपनियों को अपनी परिवहन एवं माल भाड़ा लागत घटाने में मदद मिलेगी। इससे सीमेंट कंपनियों को ये लाभ कीमत कटौती के रूप में ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।